नमस्कार, मैं आपका दोस्त और गाइड सुनील उपाध्याय आज आपके सामने एक ऐसे विषय के बारे में वीडियो लेके आया हूँ जिसको आप सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, और यदि आप इस टेक्निक को अपने जीवन में धारण करेंगे तो आपके जीवन में आपको बहुत ही आनंद आएगा, आपको सुख की प्राप्ति होगी और आपका मन बहुत ही प्रफुल्लित रहेगा हमेशा, और आपकी अंदर आपके मन में जो चंचलता है वो समाप्त हो जाएगी धीरे धीरे करके। टॉपिक का शीर्षक है मौन, यानी कि साइलेंस। आप हमने देखा होगा ज़्यादातर आजकल लोग बोलते रहते हैं, कोई कुछ विषय में बोलता है, कोई किसी विषय में बोल रहा है, यानी कि हर जगह इन्फॉर्मेशन ही इन्फॉर्मेशन है। टीवी के जरिए कोई आदमी को सुन रहा है, मूवी देख रहा है, ये देख रहा है और अपनी बातें करते जा रहा है, यानी कि वो सुबह से लेकर शाम तक बोलता रहता है। तो यदि अगर वो व्यक्ति हफ्ते में कोई एक दिन मौन रखे, यानी कि साइलेंस रखे, कुछ ना बोले, यानी कि मौन व्रत करे, तो उसकी जो ऊर्जा है वो बचेगी और ऊर्जा को बचा के वो अपने जीवन में जो पाना चाहता है उसमें लगाकर उसको वो पा सकता है। आपको पता होगा हमारे भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हफ्ते में एक दिन मौन रखते थे, और आप जानते हैं कि मौन की शक्ति के जरिए उन्होंने सत्याग्रह की जो क्रांति की, जिसके जरिए हमारे देश आज़ाद हुआ, आज़ादी में उनका बहुत बड़ा योगदान है। महात्मा गांधी भी मौन व्रत रखते थे। आप भी मौन व्रत रख कर एक दिन सुबह से लेकर रात तक कुछ भी ना बोल के सिर्फ मौन रहें और आप मौन की ऊर्जा को अनुभव करें। धीरे धीरे यदि आप हफ्ते में एक दिन मौन रखें, फिर ऐसे करके इस समय को बढ़ा के दो दिन, ऐसे करके धीरे धीरे जब आप मौन की अवधि बढ़ाएंगे तो आपकी जो ऊर्जा है वो संग्रहित होगी, और ऊर्जा संग्रहित होने के बाद आप अपने जीवन में उसी ऊर्जा को उस कार्य में लगाइए जो आप वास्तव में पाना चाहते हैं, तो आप अपने जीवन में सुख को, समृद्धि को, अच्छे स्वास्थ्य को, अच्छे रिश्तों को, आपकी जो ऑरा को बहुत पावरफुल कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आप हफ्ते में एक दिन मौन व्रत रखें और मौन व्रत रख के अपने जीवन को रूपांतरित करें। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और आपकी प्रतिक्रिया मुझे बताइए। आपका परिवार सुखी रहे, सफल रहे और आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो, ऐसी प्रभु से कामना करता हूँ। आपका अपना सुनील उपाध्याय, नमस्कार।